जेहाले मस्की मकुंबरंजिश बहाले। अपने रियलमी के फोन में यहाँ पर जो है आसानी से फुल स्क्रीन में फोटो सेट कर सकते हो। जैसे कि किसी का भी कॉल आएगा तो आपके मोबाइल के फुल स्क्रीन में फोटो शो होगा। तो उस सेटिंग को ऑन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर अपने डायलर पैड को ओपन कर लेना है, जिससे कि आप कॉल करते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर टच कर रखोगे तो यहाँ पर एडिट टू नंबर बिफोर कॉल का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। तो सिंपल से आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर इस नंबर आ जाता है दोस्तों, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा बैक चले जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पर लोगो देखने को मिल रहा होगा, तो सिंपल से आपको लोगो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ से एक पेंसिल देखने को मिल रहा होगा, तो सिंपल से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एंड यहाँ से जैसे फोटो आप पिक्चर ऐड कर लोगे गैलरी से एंड सेव कर लोगे, तो आपके मोबाइल के फुल स्क्रीन पर फोटो शो होना शुरू हो जाएगा। ऐसा दोस्तों मैं नहीं कर रहा है, ऐसा जो है दोस्तों आपको यूट्यूब पर वीडियो देखने को मिल रहा होगा। बट दोस्तों आप जो है बिना एप्लीकेशन के डाउनलोड किए अपने रियलमी के फ़ोन में फुल स्क्रीन में फ़ोटो सेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ऐसा फीचर रियलमी के फ़ोन में दिया ही नहीं है, तो आप कैसे फ़ोटो सेट कर सकते हो। दोस्तों आपको रियलमी के फ़ोन में ऐसा कोई सा भी फीचर नहीं दिया जिसकी मदद से आप जो है मोबाइल के फुल स्क्रीन में फ़ोटो सेट कर सकते हो। तो दोस्तों फेक वीडियो में ना पड़े दोस्तों, स्क्रीन में फ़ोटो सेट करने के लिए दोस्तों एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना रहता है, जो कि काफ़ी बेहतर एप्लीकेशन है। तो उस एप्लीकेशन को मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। पहले इसकी सेटिंग जान लेते हैं दोस्तों। इस एप्लीकेशन को दोस्तों आप जैसे डाउनलोड कर लोगे तो इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर के साइड में ज्वाइंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेट डिफॉल्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप जो है ऐड टू बैकग्राउंड पर क्लिक करके यहाँ से इमेज वाले आइकन पर क्लिक करना है। एंड आप भी जो भी फ़ोटो डाउनलोड किए होंगे उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया हूँ, यहाँ से आप इसे टिक कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर बोला जाएगा प्लीज़ वेट, तो आपको थोड़ा देर वेट कर लेना है, उसके बाद जो ये अपडेट हो जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा देर वेट करता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप वहाँ से फ़ोटो सेट कर दोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर के साइड में थ्री लाइन पर क्लिक करना है एंड कस्टमाइज कॉलर स्क्रीन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर जो है लग चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉल आने पर फुल स्क्रीन में फ़ोटो सेट हुआ है या नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपने देख ही लिया कि कैसे जो है कॉल आने पर फुल स्क्रीन में फ़ोटो सेट हो रहा था। तो इसी प्रकार से जो है दोस्तों आप रियलमी के फ़ोन के अंदर कॉल आने पर फुल स्क्रीन में फ़ोटो सेट कर सकते हो। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।